सुबह सुबह मैं दिल हुआ गणपति के बाद का सबसे पहले सब किसी को हर हर महादेव गुड मॉर्निंग। और दिल हुआ के विसर्जन के बाद देखते हैं क्या माहौल रहता है बीच का। तो मैं आया था एक्चुअली बीच देखने के लिए, तो यहाँ काफ़ी सारे टीम है जो साफ़ सफाई कर रही हैं, तो मैं भी लग गया दो चार हाथ साथ में। कुछ लोग मूर्तियाँ निकाल रहे हैं बाहर में, कुछ लोगों ने बोला भी कि मूर्तियाँ तो खुद ही अपना विसर्जन हो जाती है, मेल्ट हो जाती है जब वो पानी का फोर्स साथ में आता है तो रेत में वो दब जाती हैं, उसके बाद वो मेल्ट हो जाती हैं। तो विसर्जन के टाइम मूर्तियों को बाहर निकालना इट्स नॉट गुड। हाँ, रही बात उसके साथ साथ जो प्लास्टिक के हार होते हैं, जो फूल होते हैं, या फिर जो ऐसा सामान है जो मेल्ट नहीं हो सकता समुद्र में, जो समुद्र देवता कचरा समझ के बाहर डाल देते हैं, उसको लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसमें मैं भी हाथ बटा दिया। वो भी मैं साफ़ सफाई किसको पसंद नहीं है, हमारे देशवासियों को अगर पसंद होता तो ये सब होता भी नहीं। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जितने लोग आगे आ सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपना छोटा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मैं भी आई ऑल्सो लिव इन दिस प्लेस, मैं भी चाहती हूँ कि हमेशा सब कुछ साफ़ रहे, तो मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं, जैसे ये सब जो मैंने हाथ में रखा हुआ है, ये कुछ भी डिग्रेड नहीं होता और ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अब एनवायरमेंटली फ्रेंडली अवेयर बन जाएं, क्योंकि वक्त आ गया है दोस्तों, भाइयों, बहनों, वक्त आ गया है एनवायरमेंट के बारे में सोचने का। और अगर इसका मतलब ये है कि त्यौहार हम अलग तरीके से मनाएं, तो वो भी सोच अब लोगों के जहन में आनी चाहिए। मैं देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम बॉबी कुमार है और मैं एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हूँ और अभी डायरेक्शन फील्ड में जुड़ी हूँ। और ये जो जिस तरह का ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें एनसीसी के भी लोग शामिल हैं और हमारी बॉलीवुड भी शामिल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्वच्छ अभियान, ये तो हमारे खुद के भी और हमारे आसपास के माहौल में भी होना चाहिए। अभी जैसे मैं एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, मैंने एक ब्रीड मूवी बनाई है, जिस तरह से हम यहाँ का कचरा साफ़ कर रहे हैं, उस तरह से ही एक कम्युनिटी थी है GBT, आप जानते होंगे 377 हटने के बाद भी, कि लोगों की सोच वो भी बदलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, और मेरी अभी फिल्म आ रही है ब्रीड, इसी चीज़ को लेके, जिस तरह से हम यहाँ पर सफाई का इतना बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम साफ़ कर रहे हैं, तो वही मैं चाहती हूँ कि लोगों के माइंड में भी LGBT जो एक कम्युनिटी है 377 जो अभी तो लागू हो गया है, तो लोगों की सोच बदले और हम लोगों को और सब लोगों को मिलकर एकता में, कहते हैं इक्वल में इंक्लूड करें सभी लोग। से तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरा 5वां साल है, और यहाँ आने के बाद में पहले तो काफ़ी प्रफुल्लित भी था मैं, क्योंकि तो क्या है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इस बार पिछले के मुकाबले कम गंदा है, ऐसा मुझे तो भी लगा। ठीक है, काफ़ी साफ सफाई हम लोगों ने की है, पूरी तो नहीं कर पाए हैं जितनी हैं, लेकिन फिर भी जितना हम लोगों से, जो भी लोग यहाँ पर आए थे, जुड़े थे, कुछ अलग अलग संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और कर रहे हैं, ये लोगों में एक जो जागरूकता है इसकी बड़ी खुशी है। और सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, और बहुत अच्छी सुबह है, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे अक्षा बीच पे हैं और यहाँ का मौसम बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि ये जो गणपति विसर्जन के बाद से मैं फर्स्ट टाइम अभी अक्षा बीच पर आई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि अक्षा बीच का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि गणपति बप्पा की मूर्तियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं और उनका हार, उनका उनके जो फूल माला होती हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, बहुत सारे टेबल्स जिस पे लेके आते हैं गणपति बप्पा को वो भी ऐसे ही पानी में पड़ा हुआ है, तो देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आस्था तक ठीक है, और ठीक है हम लोग भारतवासी हैं और आस्था हम लोग के खून खून में बसी है, लेकिन आस्था को गंदगी का रूप ना दें कृपया करके। और क्योंकि जैसा कि मैं अगर कहीं भी नज़र घुमा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ये बेइज्जती है गणपति बप्पा की, कि आप लोग उनको इतने दिन अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, और उसके बाद लाके उनको ऐसे ही इधर फेंक देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, या तो आप इको फ्रेंडली हो जाइए और इको गणेशा नेक्स्ट टाइम से आप बनाइए, और उनकी पूजा कीजिए, उन्हें यूज़ कीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, वो ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं पानी में घुल जाएगा।